वेलकम बैक। बजट की बात कर रहे हैं, पंजाब का बजट कुछ देर में आने वाला है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं और जो खबरें हम तक आ रही हैं, अब देखना ये होगा कि उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है। इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड फॉर एसएमईज की बात करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा पंजाब के लोगों के लिए? अली नासिर, आप कुछ कहें इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पर इस तरह के मंसूबे तो पहले भी आते रहे हैं और आपने सुना भी होगा, एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसमें एसएमईज और यूथ को लोन देना था और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको पता है बड़ी मशहूर शख्सियत जो अभी कफालत गए, जिनका मामला जो अभी भी कोर्ट में फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ, उनको चेयरमैन बनाया गया था। वो मामला बहुत आगे तक गया लेकिन उसके क्या रिजल्ट यील्ड किया मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से आपके फाजिल मेहमान बेहतर ये बता सकेंगे। जनाब महफूज उर्सानी साहब, बुनियादी तौर पर जो हम देखते आ रहे हैं वो ये है कि इस तरह की जो स्कीमें वगैरह इंट्रोड्यूस की जाती हैं, बुनियादी तौर पर ये वोटर्स को पैसिफाई करने के लिए की जाती हैं। आपके ख्याल से क्या बेहतर ना रहे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को जिसे कहते हैं उसमें कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाए तो बेहतर है, ना कि ये खाली पॉलिटिकल लोगों को पैसिफाई करने के लिए यूज़ की जाए? इसमें लोन प्रोग्राम भी हैं, माजी में आपको बताया टैक्सी स्कीम भी रही है, अभी भी मेरे ख्याल टैक्सी स्कीम आई थी और दीगर स्कीमें भी आई थी, मुझे उसका रिजल्ट कुछ अब पता नहीं, ट्रैक्टर स्कीम भी आई थी, तो क्या आप इसके बारे में राय देना चाहेंगे? तो मखसूस एसएमई की स्कीम की बात ये है कि अगर ये चीज़ें प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा मसला करप्शन का है, बहुत सारी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जब वो प्रपोज बनाई जाती हैं तो ये सोच के बनाई जाती हैं कि इसमें से हमने कितना पैसा खाना है। तो ये जो बेसिकली इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें पैसा खाने के बड़े जो है ना वो एक मौके पैदा किए जाते हैं। और ब्यूरोक्रेट के बड़ी बेबाकी से बात, ब्यूरोक्रेट के एकदम मैं तो अभी सेक्रेटरी थे उनके, काफ़ी अच्छी बात है ना, करके आए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। अगर बात आप वहाँ पे ये करते हैं कि जी आपने एक चीज़ चैनलाइज करनी है, ठीक है, एक चीज़ आपने डायरेक्शन देनी है, तो कहते हैं जी किस खाते में, तो फिर आप कहते हैं अच्छा जी फलानी वो स्कीम, हाँ ये स्कीम बड़ी अच्छी, कितने की बनेगी जी, इतने की बनेगी, फ़ौरन उसकी कैलकुलेट करते हैं कि जिसमें इतनी कमीशन बनेगी। देखिए इशू ये है, साफ पानी का प्रोग्राम, एसएमई का प्रोग्राम जी, उसको जो है ना आपने लोन सप्लाई, लेकिन ये जो लोन इंटरेस्ट फ्री लोन है इसमें आप ज़्यादातर ये देखिएगा कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी, लोन तो बैंक देंगी, कमर्शियल बैंक देंगी, बैंक ऑफ पंजाब से नहीं लगवाएंगे, बैंक ऑफ पंजाब अगर देगी तो वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने भी चार्ज तो करना है, जब वो चार्ज करेगा तो वो कहाँ से आएगा? पंजाब के स्टॉक में फिर जो है वो बेहतरी शुरू हो गई। देखिए बात यही है, बात ये है कि एक तो आपकी वो उनके बैंक ऑफ पंजाब की जो है वो आपकी बिजनेस बढ़ेंगे, उनके जो है फिगर्स बढ़ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों ने अफेक्ट किया थोड़ा बहुत, आपने देखा एक दफ़ा जो है वो येलो टैक्सी की स्कीम, उसकी क्या हालत हुई, ठीक है, उसके बाद मुल्क संवारो, लोग बचाओ और ये वो उस किस्म की, वो कहाँ गई स्कीमें, औरतों ने फिर रेफरल स्कीमें आई कि जी आप ये कर लें, आप ये टिकट डाल दें इतनी रेफरल हो जाएगी, वो कहाँ गई स्कीमें? तो ये एक मासूम ख्वाहिशात होती हैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स की, कुछ सेक्रेटरी साहबान की, कुछ इनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके एडवाइजर्स की होती है। तो ये यूँ समझे कि जो छोटे छोटे होते हैं उनको भी तो कुछ खिलाना पड़ना पड़ रहा होता है ना, तो किसी ने कोई प्रपोजल ला के दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, इस चीज़ देखें, इस चीज़ में सबसे बड़ा इशू ये है पाकिस्तान में कि अगर आपके पास बिजली नहीं है और अगर आप बिजली को तरस रहे हैं तो ये उसको उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि जी अब इस वक्त मकसद ये है कि इन्होंने ऐसा तरीका सीख लिया है कि आपको इस नहज पर ले आएँ कि आप कहेंगे जी यार मुफ्त इलाज करा दो, मुझे ट्रैक्टर पर इतने पैसे दे दो, मैं खुद नहीं कमाऊँगा। सही, जैसे अली नसर साहब इसको नेगेट करते हैं ना, मैं भी नेगेट करता हूँ, आप बिजनेस को क्यों नहीं बढ़ावा देते? Correct. आप लोगों की इनकम को क्यों नहीं बढ़ावा देते? Correct. आप लोगों में परचेजिंग पावर क्यों नहीं बढ़ाते? आप कर लें महंगाई, आप महंगाई कर लें, आप हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ा के आप $30,000 करके दे दें, आप महंगाई बढ़ा लें, 5% से बढ़ा लें, 6% में। हमें इशू ये है कि आप गरीब को गरीब तर किए जा रहे हैं, उसको आप डिपेंडेंट किए जा रहे हैं। 1,000-1,500 रुपये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपको इस पे शर्म नहीं आती कि एक बंदा जाके बैठता है एक महीने में, उनकी औरतें जाके बैठती हैं, उनके मर्द जाके बैठते हैं 1,000-1,500 रुपए, उसके लिए आप अरबों रुपए मुख्तस करके बैठे हैं। लोगों को नौकरी दीजिए, लोगों को आप अपना कारोबार क्यों नहीं चलाने देते? तो इश्यू ये है सर, ये इन स्कीमों पर हमें कोई एतराज नहीं है, ये स्कीम होनी चाहिए, मगर इन स्कीमों को डायरेक्शन के साथ लेके जाना चाहिए, इन स्कीमों को 5-10 साल मंसूबों के तहत लेके जाना चाहिए कि जी ये चीज़ें अब तक सपोर्ट करेंगी, उसके बाद ये लोगों के ऊपर इनका करेक्ट। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये आई टोटली एग्री विथ हिम कि आप अगर जो जो, जो वो 1,000 रुपया और 1,500 रुपया जो दे रहे हैं ना, वॉट यू आर डूइंग इज यू आर रियरिंग अ कम्युनिटी ऑफ बेगर्स, नथिंग मोर। उससे बजाय उसके बजाय उसको 50,000 रुपए दीजिए और कहिएगा भाई आपने 1,500 दे रहे हैं, माने आप
भिखारियों आप 1000 रुपया वापस हमें करें आफ्टर थ्री मंथ्स या 4 मंथ्स सर यही होना चाहिए। बात यह है कि आप देखे तला साहब का तला मेमू साहब की एक सेनेटर साहब की एक वो आई अपने किसी ने क्लिप भेजे पे वो 1000 रुपए देने लाइन से खड़े हुए और वो जो है वो लोग आए थे उनके जलसे में। अब अगर नहीं सर उन्होंने वजाहत की थी उन्होंने कहा था ये नेकी का काम करते हैं सालाना बुनियादों पर जो इनको अच्छा चले उन्होंने तो किया होगा उनका तो मैंने नाम इसलिए आएगा सबने हम तो जाते हैं जलसों में हमने भी पैसे दिए देते हैं हम गाड़ियों के भी पैसे देते हैं हम बसों के भी पैसे देते हैं देखे वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर में खोल के होता है ना आने जाने का सर अगर आपने सर अगर आपने वो किसी के जो है वो इसाले सवाब के लिए भी जाना है ना जी फलानी बरसी पे जाना है लड़का ना तो फिर भी आपको रजिस्टर में लिखवाना पड़ता है कि मैं इतने बंदे ले जाऊँगा इतनी गाड़ियाँ ले जाऊँगा इतना खर्चा आपको करना है क्योंकि उधर से आपको ऑर्डर आता है कि इतने पैसे बना रहे हो हमारे नाम पे इतने पैसे हम पे सर जल्द से ऐसे हो रहे हैं। अगर लोगों की इज्जत नफ्स सही होगी लोगों में डिग्निटी होगी लोगों के पास थोड़ा पैसा होगा तो लोग आपके जलसों में नहीं भी नहीं आएंगे। ये आप जो 10-10 लाख सर हम बजट की बात करें रमजान में एक मैं मसला उठा लेता हूँ फ्रूट्स का आजकल इशू चल रहा है आप देखें कि अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है कमोडिटीज़ का हाल देखें हम बजट की बात करते हैं ना पाकिस्तान में बजट का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की बात करना आवाम की बात करना अनफॉर्चुनेट जो अभी हमने बड़ा फेडरल बजट देखा उसमें कंज्यूमर की बात नहीं की गई है उसमें कॉर्पोरेट के कुछ हल्कों की बात की गई है उनके लिए बजट था कुछ पर्सनल इंटरेस्ट था जो लोग कारोबार करें जिनकी इंडस्ट्रीज है उनके लिए बजट था दूसरे जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं और करते रहेंगे। रहीम साहब आप बोलिए इस पर। बिल्कुल सही बात है थोड़े देर पहले मैंने एक मेंशन भी किया था कि फेडरल बजट के अंदर एक बहुत बड़ा एक वो दिया हुआ है फॉर पोल्ट्री नाउ मैंने कहा पोल्ट्री के ऊपर क्यों आ रही है तो मैंने ऐसी इसकी थोड़ी सी एनालिसिस निकाली है अमेरिका में पोल्ट्री का जो पर कैपिटा है वो 200 बर्ड्स पर यूनिट है पर कैपिटा है कंजम्पशन जी पर कैपिटा कंजम्पशन इन अमेरिका जी पर पाकिस्तान में कितना है सर 20 भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई सच अ बिग इंसेंटिव इज बीइंग गिवन टू पोल्ट्री Rather than giving it to the other sectors. सर क्यों इतने ज़्यादा इशारे दे रहे हैं आप आपको पता तो है पोल्ट्री को क्यों Why chicks are being favored? Because they are chicks. अब देखिए ना you see वही मैं कह रहा हूँ ना all these budgets they do not have any foresightedness they do not have you have to think out of the box jaise mehfooz sahab baat karte the ki raaton raat jo hai budget mein amendment ho rahi hoti hai that's too wrong actually yes bilkul sahi hai uski dekhe baat ye hai ki agar aapne khushi karna hai aur main fir main bahut maafi se bar takleef se darbar lafz istemal karta hu magar yahan darbar hai yahan darbari hain yahan pe hamara koi ye jo aap ye jo इलेक्शन और वज़ीर आज़म माफ़ कीजिएगा खाली नाम है यहाँ पे बादशाह आप सलामत होते हैं यहाँ पे वज़ीर होते हैं यहाँ पे मस्खरे होते हैं जो उनके जो है वो उनको हंसाते हैं नहीं महफूज जमहूरियत है हमने जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है सर मेरे कहने से अगर जमहूरियत खतरे में पड़ती है तो पड़ जाए जैसे रहीम साहब बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है कुछ भी इदारों को ये तो पोल्ट्री के बारे में बात करने से फिर खतरे में पड़ जाता है तो शुतुरमुर्ग के बारे में भी खतरे में पड़ जाएगी लीक्स 2 आता है जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है ऐसे तो नूरियाबाद पे पावर प्लांट के बारे में भी बात करने से खतरे में पड़ जाएगी जमहूरियत देखिए नूरियाबाद में पावर प्लांट लगता है भाई किसने लगाया सबको पता है उसकी बिजली कहाँ जानी है सबको पता है आपने पैसे खर्च किए उसमें आपने पीपीपी में उनको बड़ी जो है लवाजमात दी फिर आप वफाक से लड़े कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपकी गैस मतलब पहली दफ़ा सिंध में इतना तेज आ गया कि सिंध खड़ा हो गया उससे कभी भी ये नहीं कहा कि आपने पानी क्यों रोका कभी भी ये नहीं कहा कि आपने मादिनियात क्यों ले गए कभी भी ये नहीं कहा कि कराची से इतने आप रेवेन्यू जनरेट करते हो कराची पे पैसे क्यों नहीं खर्च किए तबाह हाली किसने की कराची की रोशनियाँ किसने छीनी कराची की ये भी सबको पता है हम तो चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं ना कि आप तो जैसे कहते हैं ना कि वो परों को आग लगती है मेरे तो परों को आग लगती है बात यह कि किसका प्रोजेक्ट कहाँ बिजली जानी है और आज गवर्नमेंट ऑफ सिंध मैं तो हैरान हूँ इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि हमने नेशनल प्रोजेक्ट बनाया यार कहाँ का नेशनल प्रोजेक्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट है एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को आपने बिजली देनी है उसमें आपने लोगों के पैसे खर्च किए चलें बात यह है कि हम कब तक ऐसे खुश रहेंगे देखें ये जब मुगलों ने ऐसा करना शुरू किया तो तबाही आ गई जब अरगुनों ने जब मीरों ने ऐसा करना शुरू किया तो तबाही आई उनकी देखें जब आप बांसुरी बजा रहे होंगे चैन की और लोग जो है वो
तड़प रहे होंगे, लोग जो है वो इतना ही परेशानी में होंगे, लोग आपको हाथ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। सही है, एक एक आदमी आपको बददुआएं दे रहा है, कोई उठा के आपको दुआएं तो नहीं दे रहा। आप ले लें किसी का नाम, अगर कोई समझता है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मैं नाम लेके कहता हूँ, लोग उनको हाथ उठा उठा के बददुआएं देते हैं। तो क्या आप जो है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों की हालत क्या है? आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी भूख की हालत क्या है? आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोगों की मुआशी हालत क्या है? मुझे एक बात बताएं, कोई चीज़ 20 रुपये 25 रुपये किलो है, आलू की मिसाल लेता हूँ, लोगों को वो भी महंगे लगते हैं। सही बात, क्योंकि उनके पास, आपने 15,000 रुपये करके आपने हातिमताई की जो है कब्र पे लाश मार दी, यार 15,000 रुपये कोई बेसिक पे बनती है? आप करें ना 25,000 रुपये, एक लफ्ज कहने की आपको है ना, 25,000 रुपये कोई बड़ी रकम तो नहीं। सर इंडस्ट्रियलिस्ट का मानेंगे, ताजर नहीं मानेगा। अच्छा ये भी बता दूं कि मेरे ख्याल ये प्रोविंशियल इशू है, प्रोविंशियल इशू है, बिल्कुल। वेजेस बोर्ड कम्स अंडर द प्रोविंशियल थिंग, यस। तो ये देखे ना, प्रोविंस जो उसको ऐलान कर सकता है, प्रोविंस अपनी जो है वो किसी किस्म की भी जो है वो पॉलिसी बना सकता है। देखें आप महफूज साहब, प्रोविंस में भी आकर आपको इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की सख्त ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की मैंने ट्रांसमिशन के आगाज़ में बात इसलिए रखी थी, कंज्यूमर जब तमाम तर चीज़ों से मुस्तफेद होता है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन आजकल अब सिंध की, तो आपको मैं बताऊँ, अगर कोई एक तपेदार को भी अगर एक सिंध की बात सिंध के बजट में करेंगे, पंजाब में एक बार बताता हूँ, तो आप यकीन करें वो फ़ोन करता है वजीर को कि जी ये मैं फलाना काम कर दूं। ये तो इसकी डिसेंट्रलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी चीज़ जाती है, ट्रक भी जाती है ना, तो वजीर को फ़ोन करते हैं कि जी एक ट्रक जा रही है, इसका क्या करना है? बाकायदा छोटे लेवल के ब्यूरोक्रेट्स, छोटे लेवल की जो है वो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, वो भी उनको भी ये कहा गया है कि जी आपने जो है ना वो खटाक करके मिनिस्टर को फ़ोन करना है, और मिनिस्टर ने जो है ना बड़े साहब को फ़ोन करना है, और फिर ये सारे सिलसिला जो उसमें से अगर 10 रुपये भी सारे राज आप आज की तारीख में अगर बता देंगे सर, तो फिर सिंध के बजट के अंदर मेरे पास रह कुछ नहीं जाएगा। आप तो लोगों के नाम ले लेके बता रहे हैं, फलां फलां को बताएगा फलां फलां को, तो देखिए इशू ये चीज़ हम पे अफेक्ट करती है। हमें अदालत कोई, हमें हुकूमत कोई देने के लिए तैयार नहीं है किसी किस्म का रिलीफ हमें जो है वो। ऑलराइट महफूज साहब, वक्त हमारे सेगमेंट का ख़त्म हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज साहब आपका, रहीम साहब आपका, और आप दोनों मौजूद मेहमान आए, और आपने जो है बेहतर तरीके से बजट का भी अनाउंस कुछ देर में हो जाएगा और हमें तमाम सूरत हाल पता लग जाएगी। जी अली कुछ कहना है एट द शॉर्ट एंड? इसमें यही है कि इस बजट के ऊपर मेरे ख्याल काफ़ी मान खेज़ गुफ्तगु रही हमारे मेहमानों के साथ, कुछ तिशनगी ज़रूर रह गई। मुझे ऐसे लगा जैसे अली रहीम साहब जो हैं वो ही टैसिट अप्रूवल था उनका इन तमाम बातों के साथ साथ, कि वो भी साथ साथ इत्तिफाक कर रहे थे कि अब ये मामलात ख़राब हैं। लेकिन जो भी है, जब तक अभी पंजाब का बजट वाज़े होकर सामने नहीं आएगा, ज़्यादा पिक्चर तो फिर हम ज़्यादा वजाहत से एक एक चीज़ को हम बात कर सकते हैं। प्री बजट रैली हम इस तरह से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर लोगों का, और आपने देखा कि जो बजट है अब कुछ देर में अनाउंस हो जाएगा, और उसके बाद मजीद हम एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करेंगे, एनालिस्ट करेंगे तमाम गेस्ट के साथ, अपने एंकर्स के साथ। तो बिजनेस प्लस के साथ एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद दोबारा ये जो बजट की ट्रांसमिशन है जारी रहेगी।